हेलो गाइस वेलकम टू द कार शो आज आपके सामने है ऑल न्यू 2022 ट्वेंटी टू मारूती सुजुकी ब्रेजा ब्रेजा ट्वेंटी का प्राइस 7.99 लाख रुपीज़ से स्टार्ट होता है और जाता है 13.96 लाख रुपीज़ तक वेरिएंट्स की बात करें तो यहां पर आपको इस कार में टोटल फोर वेरिएंट्स ऑफर किए जाते हैं जो कि है एल एक्स आई वी और जेड प्लस पर जो इसके जेड और जेड एक्स आई प्लस वेरियंट्स हैं इनके अंदर आपको यहाँ पर ड्यल टोन का भी ऑप्शन मिल जाता है जिसके लिए आपको यहाँ पर एडिशनली फिफ्टीन थाउजेंड रुपीज एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं इस पर्टिकुलर कार की अगर बात की जाए तो यह है ब्रेजा का टॉप एंड वेरियंट जेड एक्स आई प्लस मैनुअल ड्यूल टोन में जिसका की एक्सर प्राइस है ट्वेल्व पॉइंट फोर सिक्स लाख रुपीज और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि आपको यहाँ टॉप एंड वेरियंट के अंदर ब्रेजा में क्या क्या चीजें ऑफर की जाती हैं चलिए इंजन से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको इस कार में सिर्फ एक इंजन ऑप्शन ऑफर किया जाता है जो कि है 1.5 लीटर का स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है वन जीरो टू पी एस की पावर और वन थर्टी सेवन न्यूटन मीटर्स का टॉक इसकी ए आर ए क्लियड माइलेज है नाइनटीन पॉइंट एट नाइन किलोमीटर्स पर लीटर एंड फाइव स्पीड मैनुअल और मैन्य स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ ये इंजन आपको यहाँ पर इस कार में मिल जाता है और अब कार के बारे में आगे बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा आपकी कार क्लिक बहुत ही बढ़िया कार परफ्यूम के बारे में चुकी है इन्वॉल्व एलिमेंट्स का एक्वा एयर स्प्रे इसकी अगर फ्रेग्रेंस की बात करें तो यहाँ पर आपको इस परफ्यूम से एक बहुत ही कूल एंड वॉटरी सी फ्रेग्रेंस मिल जाती है जो कि आपको बहुत ही बढ़िया ठंडक का एहसास दिलाती है मतलब एक जो फ्रेशनेस आपको चाहिए होती है ना कार के अंदर बैठती है वो आपको यहाँ पे पर इसी परफ्यूम से मिलने वाली है तो जरूर से जाकर इसे बाय करें लिंक आपको इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा चलिए अब बात कर लेते हैं कार के फ्रंट प्रोफाइल के बारे में तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कार की फ्रंट प्रोफाइल में देखने को मिल जाता है सुजुकी का लोगो जो कि प्लेस डेज की ग्रे कलर के अंदर फ्रंट क्रेल के ऊपर ऊपर की साइड पर आपको यहाँ पे क्रोम इंसर्ट्स मिल जाते हैं नीचे आपको जो दिए गए वो अस का पार्ट है की बात करें तो यहाँ पर आपको ड्यूलईडी एलईडी प्रोजेक्टर ऑफ वर्क किए जाते हैं जो कि आते हैं एलईडी डीआरएल आर और साथ ही एलईडी साइट इंडिकेटर्स के साथ एंड इनका जो थ्रू है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया नीचे आपको यहाँ पे एल ई डी भी इस वीर के अंदर ऑफर की जाती है बाकी फ्रंट कैमरा भी आपको यहाँ पे इस कार में मिल जाता है जिसकी की प्लेसमेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी फ्रंट पार्किंग सेंसर्स वगैरह आपको यहाँ नहीं मिलते बट आपको कैमरा जरूर से मिल जाता है एंड कुछ ऐसा आपको कंप्लीट लुक मिलता है कार का फ्रंट एंड से एंड अभी आप इस कार का बिल्कुल नए वाला लेटेस्ट सिल्वर कलर देख रहे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रहा है साइड की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपको इस कार के साइड प्रोफाइल में देखने को मिल जाते हैं सिक्सटी इंचज़ के डायमंड कट अलॉयल्स जिनका की डिजाइन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया टाइप प्रोफाइल की अगर इनकी बात करें तो आपके यहाँ पर इनमें मिल जाते हैं टू वन फाइव सिक्सटी आर सिक्सटीन सेक्शन के फ्रंट टू डिस्क ब्रेक्स आपके यहाँ पर इस कार में ऑफर की जाती हैं पीछे की साइड पर आपको ड्रम ब्रेक से मिलती हैं साइड टर्न इंडिकेटर आपके यहाँ इसके ओवर रेएम के ऊपर दिया गया एंड ओवर रे को आप यहाँ पर इस वेरियंट के अंदर इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट एंड फोल्ड दोनों ही कर सकते हैं नीचे आपको यहाँ पर इसमें कैमरा मिल जाता है थ्री सिक्सटी व्यू के लिए बाकी ओवर रियम्स आपके यहाँ टोन के अंदर पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर ही मिलते हैं एंड कुछ ऐसा आपको कंप्लीट लुक मिल जाता है कार का साइड प्रोफाइल से जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है बॉडी कलर आपको यहाँ डोर हैंडल्स मिलते हैं टॉप एंड वेरियंट के अंदर भी और कोई भी क्रोम विंडो लाइनिंग वगैरह आपको यहाँ पे इसमें नहीं मिलती है डायमेंशन की अगर बात करें तो गाइस इस कार की ऑल ओवर लेंथ है थ्री नाइन नाइन फाइव एम एम फिथ है वन सेवन नाइन जीरो एम एम और हाइट है वन सिक्स एट फाइव एम एम व्हील बेस आपको यहाँ इसमें मिल जाता है टू फाइव जीरो जीरो एम एम और ग्राउंड क्लियरेंस है वन नाइनटी एम एम पीछे की साइड पर आपको यहां पर इसमें कुछ इस तरह की एलईडी डी टेल्प ऑफर की जाती हैं जो कि बहुत ही बढ़िया लग रही है इसी के अंदर आपको यहाँ पे इंडिकेटर और रिवर्स पार्किंग लाइट भी मिल जाती है फिर आपको यहाँ पर इसमें देखने को मिल जाती है ब्रेसा की बैजिंग ऊपर आपको दिया गया इसमें सुजुकी का लोगो एंड कुछ ऐसा आपको कंप्लीट लुक मिल जाता है इस कार का बैक प्रोफाइल से नीचे आपको यहाँ पे बंपर पर चार पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं साथ ही आपको दो रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं और सिल्वर कलर की आपको यहाँ पे भी स्क्रिप्टेड मिल जाती है रिवर्स पार्किंग कैमरा भी यहाँ पे आपको इस कार में दिया गया और इस साइड पर आपको यहाँ पे स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग मिलती है एंड टोटल फोर कैमराज आपके यहाँ इस कार में ऑफर किए जाते हैं वाइपर वॉशर डिफॉगर आपको तीनों चीजें मिल जाएंगी ब्रेक लाइट आपको यहाँ स्पॉइलर के साथ मिलता है रूफ पर आपके यहाँ पे रूफ रिल्स और शार्कफेन एटीना दिख रहा है बाकी यहाँ पे आपको इस कार के अंदर अब सन भी मिल जाती है जो कि आपको इसके जेड एक्स आई वेरियंट से मिलनी शुरू हो जाती है एंड ये वाला आप जेड एक्स आई प्लस ड्यूल टोन देख रहे हैं तो ऑब्वियसली इसके अंदर भी यहाँ पे आपको मिल ही रही है कुछ इतने साइज की आपको यहाँ पर इस कार में सनरूफ मिल जाती है चलिए अब चल देते हैं कार के अंदर तो यहाँ पर आपको दिया गया रिक्वेस्ट एंसर की एंट्री के लिए और ड्राइवर साइड डोर पैड की अगर बात करें तो यहाँ आपको इस कार में मिल जाता है टोन ब्लैक एंड ब्राउन कलर कॉम्बिनेशन के साथ एंड इसके अंदर भी आपको यहाँ पे सिल्वर इंसर्ट्स मिल जाते हैं यहां आपको इसमें दिए गए ऑल फोर पावर विंडो के कंट्रोल्स और आगे आपको मिल जाते हैं ओवर वीम के लिए कंट्रोल्स पीछे आपको यहाँ अमरस के ऊपर पूरी फैब्रिक फिनिशिंग दी जाती है जो कि एक काफी अच्छी बात है नीचे आपको बॉटल होल्डर स्टोरेज स्पेस और साथ ही स्पीकर मिल जाता है यहाँ पे आपको इसमें ट्विटर दिया गया और बाकी डोर ओपनिंग की अगर बात करें तो काफी ज्यादा वाइड ओपन इस कार का डोर हो जाता है कार के अंदर एंट्री एग्जिट करने में आपको यहाँ पर

इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर बात करें तो आपको यहाँ पर इस कार में कुछ इस तरह का दिया गया वाइट इल्यूमिनेशन के साथ सेंटर में आपको मिल जाती है एम स्क्रीन राइट right में आपको उसका दिया गया स्पीडोमीटर लेफ्ट में आपको मिल जाता है इसका आर मीटर बाकी इंजन टेम्परेचर मीटर और फ्यूल गेज आप यहीं पे इन्हीं दोनों मीटर्स के नीचे देख सकते हैं एंड ओवरऑल ना इस कार की एम स्क्रीन के अंदर आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन शो हो जाती है जो कि आपकी डे टू डे यूज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहती है स्टेरिंग व्हील की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपके इस कार के अंदर कुछ इस तरह का फुली लेदर आप डी कट स्टेरिंग व्हील ऑफर किया जाता है जिसकी ग्रिपिंग बहुत ही ज्यादा बढ़िया है एंड इसके ऊपर आपको यहाँ पर इसमें दिया जाता है क्रूज कंट्रोल के लिए कंट्रोल्स यहाँ आपको मिल जाते हैं मीडिया एंड टेलीफोनी कंट्रोल्स बाकी पीछे आपको दिया गया हेडलैप टॉगल और ऑटोमेटिक हेडलैप्स आपको यहाँ इस वीरिंग के अंदर मिल जाते हैं इस साइड पर आपको दिया जाता है फ्रंट और ये वाइपर के लिए टिटॉगल बाकी अगर बात करते हैं स्टेरिंग व्हील एडजस्टमेंट की तो यहाँ पर आप इस स्वीरिंग के अंदर स्टेरिंग व्हील को टेल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों ही वेज में एडजस्ट कर सकते हैं तो ये काफी अच्छी बात है यहाँ पर आपको एक एसी इवेंट दिया गया जिसके पर आपको ब्राउन फिनिशिंग दी गई साथ ही सिल्वर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे आपको मिल जाता है इंजन स्टार्ट शॉप का स्विच साथ आपको दिए गए एच यू कंट्रोल्स के लिए आपको दिया गया 360 सिक्सटी व्यू के लिए बटन ट्रैक्शन कंट्रोल का और ऑटो इंजन ऑन ऑफ का स्विच स्वच्छ आपको हेडलाइट लेवलर लेव भी लेव लेव इसमें मिल जाता है बाकी जैसे आप इस बटन को प्रेस करेंगे आपका थ्री व्यू पूरा का पूरा शुरू हो जाएगा कार का जो कि आपको चारों कैमरा की मदद से मिलता है बाकी ट्रैक्शन कंट्रोल यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ आपको मिलते हैं एच के कंट्रोल्स तो जैसे आप इसे प्रेस करके रखेंगे आपकी एच यू पर ओपन हो जाएगी एंड कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे इसमें पूरा का पूरा डिस्प्ले देखने को मिलेगा आपको सभी तरह की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो हो जाएगी जैसे कि आप अभी देख सकते हैं लो फ्यूल वॉल्डिंग आपको वहाँ दिख रही है और यहाँ पे भी वही दी गई है तो मतलब आपको सभी के सभी इंफॉर्मेशन वगैरह सब, सब कुछ यहाँ इसमें मिलती रहती है बाकी इसी को प्रेस करके आप इसे ऑफ भी कर सकते हैं बाकी जैसे ही आप इसे लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ऐसे ही ऑफ बंद हो जाएगी एंड अब डैशवुड लुक की बात करें तो कुछ ऐसा आपको कंप्लीट डैशबोर्ड लुक मिल जाता है इस कार का जो कि बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लगता है यहाँ पर आपको इसमें इंच की स्क्रीन मिल जाती है जो कि आती है काफी सारे फीचर्स के साथ इसके अंदर आपको यहाँ पे वायरलेस एप्पल कार पर एंड्रॉइड ऑटो का ऑप्शन दिया गया बाकी एम एफ एम ब्लूटूथ और यूएसबी का ऑप्शन तो आपको यहाँ मिलती है एंड कार के रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन भी आप यहाँ पर इसी स्क्रीन के अंदर देख सकते हैं एंड ओवरऑल काफी इजी टू ये सिस्टम आपको यहाँ पर इस कार में मिलता है एंड काफी अच्छा ऑल ओवर डिस्प्ले आपके यहां इसमें दिया गया है स्टैंड आउट डिस्प्ले एंड ब्लैक ग्लॉसी ब्लैक इंसर्ट्स आपके यहाँ पर इसकी सराउंडिंग्स पर भी मिल जाते हैं दो ए सी वेंट उसके नीचे दिए गए आपको मिल जाता है लाइट का स्विच यहां आपको दिया जाता है एसी के कंट्रोल एंड फुल ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपके यहां इस वेरियंट के अंदर मिल जाता है फिर आपको मिलता है ट्वेल्व का पावर सॉकेट एक यूएसबी का पोर्ट और साथ मिल जाता है वायरलेस चार्जिंग पैड जो कि पहली बार किसी मरूती कार के अंदर मैंने देखा है बाकी फिर आपको यहां पर इसमें दिया गया इसका फाइव स्पीड का मैनुअल गर बॉक्स जिसमें रिवर्स गियर लगाती आपको मिलेगा आपके रिवर्स पार्किंग कैमरा का डिस्प्ले और साथ ही आपके 360 कैमरा का भी व्यू एंड रिवर्स पार्किंग कैमरा में आपको यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं व्यू एंगल्स के जिनमें से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं और साथ ही आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर का डिस्प्ले यहाँ पे आपकी एम स्क्रीन के अंदर भी मिल जाता है बाकी उसके बीच आपको मिलता है मिलती है हैंड ब्रेक हैंड ब्रेक के साथ आपको दिए गए हैं दो बॉटल होल्डर्स जिनमें से एक के अंदर मैंने अभी फिलहाल रखा हुआ है इन्वॉल्व का एक वे जिसके साथ की आपको यहां पर एक हैंगिंग टैग भी मिलता है एंड इसके ऊपर आपको यहाँ पर इसे सिंपली सिर्फ इस तरह से इसे दो से तीन बार स्प्रे कर देना है उसका इसकी पूरी फ्रेग्रेंस आपकी कार के अंदर फैल जाएगी जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया है फिर आपको मिल जाता है आमरे जो कि आमरेसम्रेस स्टोरेज स्पेस के साथ इसके अंदर आपको यहां पर कुछ इतनी स्पेस मिल जाती है सीट्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपको इस कार के अंदर कुछ इस तरह की ब्लैक एंड ब्राउन कलर के अंदर फैब्रिक सीट्स ऑफ की जाती है जो कि बहुत ही बढ़िया कम्फर्ट एंड ओवरऑल कुशिंग प्रोवाइड कर देती है यहाँ पे आपको कुछ ऐसा ब्राउन टेक्सचर इसके डोर पैड्स पे भी देखने को मिल जाता है जो कि अगेन काफी अच्छा लग रहा है सेफ्टी में बात करें तो यहाँ पर आप इस कार में सिक्स एय बैग्स मिल रहे हैं इस टॉप एंड वेरियंट के अंदर और आपको यहाँ ए बी एस ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं एंड और भी काफी सारे सेफ्टी फीचर्स आपको यहाँ मिल रहे हैं जो कि आप नीचे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर आपको इसका ग्लोब बॉक्स दिया गया जो कि आता है कूल्ड जो कि एक काफी अच्छी बात है फिर आपको यहाँ पर इसमें मिल जाता है वैनिट मीर एंड इसके अंदर आपको यहाँ पे लाइट भी दी गई है जिसे कि आप मैन्युअली ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ पर आपको दिया गया ऑटोडेम आई आर वी एम यहाँ पर इसमें एक सन ग्लास होल्डर मिलता है और साथ ही आपको मिल जाती है दो रूफ लाइट्स यहाँ आपको मिलता है के लिए कंट्रोल्स जो कि पहले अमरूती के कार के अंदर आए हैं और इस साइड सनचिट के अंदर आपको मिलता है टिकट होल्डर सनरुफ की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपको इस कार के अंदर कुछ इस तरह की सनरुफ मिल जाती है जो कि कुछ इतनी वाइड ओपन हो जाती है बाकी और भी ज्यादा ये ओपन हो जाएगी मतलब पूरी खुल जाती है यहाँ पे आप देख सकते हैं बाकी क्लोज करना भी काफी ज्यादा सिंपल है एक ही बार प्रेस करेंगे ये बंद हो जाएगी एंड जो जिसकी ब्लाइंड है उसको आप यहाँ से मैनुअली बंद कर सकते हैं अब बात कर लेते हैं इस कार के अंदर वारंटी की तो टू ईयर्स एंड फोटी थाउजेंड किलोमीटर्स की कि वारंटी आपको यहाँ पर इस कार में स्टैंडर्ड मिलती है जिससे कि आप अप टू फाइव ईयर्स एंड वन लाख किलोमीटर तक एक्सटेंड भी करवा सकते हैं एक्सटीरियर बॉडी कलर अंदर ऑप्शन की बात करें तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं और अब चल लेते हैं कार की बैक सीट में एंड चलकर चेक कर लेते हैं इस कार का बैक सीट कंफर्ट तो यह कैसे इस कार का बैक डोर जो कि आपको मिल जाता है ड्यूल टोन ब्लैक एंड ब्राउन कलर के साथ यहाँ पर आपको इसमें दिया गया पावर विंडो का स्विच पीछे आपको आमरिस मिल जाता है फैब्रिक फिनिशिंग के साथ ऊपर आपको क्रोम डोर हैंडल दिया गया नीचे आपको स्पीकर और साथ ही एक बॉटल होल्डर मिल जाता है बाकी वाला डोर भी इस कार का काफी ज्यादा वाइड ओपन हो जाता है कार के अंदर बैक सीट में भी एंट्री एग्जिट करते में आपको यहाँ पर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है अंदर आती है आपको यहाँ देखने को मिलते हैं दो एडजस्टेबल टाइप के हेडरेस्ट जो कि काफी अच्छी बात है आम्ब्रेस भी आपके यहाँ पर इस कार में ऑफर किया जाता है जिसके अंदर के आपके यहाँ पे दो बॉटल होल्डर्स भी मिल जाते हैं बाकी ब्राउन कलर की आपके यहाँ पे इसमें सीट्स मिलते है जो कि आप देख सकते हैं एंड कुछ ऐसा आपको कंप्लीट डैशबोर्ड का लुक मिल जाता है इस कार का जो कि बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लग रहा है पहले वाली ब्रेजा के कंपैरिजन में ऊपर आपको यहाँ पे सनरूफ मिल जाती है जिसका व्यू बहुत ही अच्छा लग रहा है नीचे आपको ए सी वेंट्स मिल जाता है साथ ही दो चार्जिंग सॉकेट्स दिए गए हैं जिसमें से एक टाइप ए है और एक टाइप सी है मैप पॉकेट की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको दोनों ही सीट्स के पीछे मैप पॉकेट्स ऑफर की जाती है जो कि काफ़ी अच्छी बात है बाकी अब स्पेस की बात कर लेते हैं तो गाइज मेरी हाइट सिक्स फीट है एंड जो ड्राइवर साइड सीट है वो मेरी नॉर्मल सेटिंग पोजीशन के हिसाब से सेट और फिर भी कार के अंदर काफ़ी अच्छा नी रूम लेग रूम और हेड रूम मेरे को यहाँ पर मिल पा रहा है रूफ लाइट की अगर बात करते हैं तो रूफ लाइट आपको यहाँ पे नहीं बल्कि यहाँ पर इसमें मिलती है एंड इसके अंदर हेलोजन बल्ब का यूज़ किया गया है बाकी ग्रैप हैंडल आपको यहाँ पर इस कार में कुछ इस तरह का दिया गया साथ ही आपको यहाँ पर इसमें कोट हुक भी मिल जाता है साथ ही आपको यहाँ पे सीट के पीछे भी एक हुक मिल जाता है जहाँ पे कि आप अप टू फोर के जी तक का वेट कैरी कर सकते हैं हम की बात करें तो बिल्कुल थोड़ा सा हम यहाँ पे दिया गया एंड ओवरऑल इस कार की बैक सीट में टू एडल्ट और एक किड एकजिली बैठ सकते हैं और अब चल लेते हैं कार के बाहर एंड चिलकर चेक कर लेते हैं इस कार का बूट एरिया तो कैसे इस कार के टेल गेट को ओपन करने के लिए आपको यहाँ मिल जाता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक टेल गेट ओपनर बटन जिसको कि प्रेस करके आप इसका टेल गेट ओपन कर पाएंगे बूट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इसमें देखने को मिल जाती है पार्सल ट्रे स्पेस की बात करें तो थ्री हंड्रेड एंड ट्वेंटी एट लीटर्स का आपको यहाँ पर इसमें टोटल बूट एरिया दिया गया है बूट लाइट आपको यहाँ पर इसमें मिल जाती है जो कि आपके यहाँ पर इसमें मिलती है रियर सीट्स आप यहाँ पे सिक्सटी फोटी स्प्लेट पर फोल्ड कर सकते हैं और इसके नीचे आपके यहाँ पर इसका मिलता है स्पेयर व्हील जो कि है सेम साइज़ सिक्सटीन इंचज का बट स्टील व्हील आपको मिलता है अलॉय आपको यहाँ पे नहीं मिलता है बाकी अब बंद कर देते हैं इस कार के टेल गेट को एंड बात कर लेते हैं इस कार के ऑन रोड प्राइस की तो इस पर्टिकुलर कार 2022 मरुतीजू की चंडीगढ़ में पड़ेगी थर्टीन प्राइस है 12.46 लाख रुपीस और ये ऑन रोड आपको चंडीगढ़ में पड़ेगी 13.98 लाख रुपीस की तो गाइस आपको ये कार कैसी लगी मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अगर आप इस कार का कोई और वेरियंट कंसिडर कर रहे हैं तो आपको उस पर्टिकुलर वेरियंट का लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में और साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है इन्वॉल्व एलिमेंट्स के एक्वा एयर परफ्यूम का जिसे जाकर आप जरूर से बाय करें ताकि आप भी मेरी तरफ अपनी कार के अंदर एक बहुत ही बढ़िया फ्रेगेंस का मजा ले सकें एंड इसके ऊपर द कार शो कूपन को यूज करने पर आपको इसके ऊपर टेन परसेंट का डिस्काउंट भी मिल जाएगा तो ये थी इस कंप्लीट वीडियो आई होप यू एल एजॉयड दिस वीडियो प्लीज शेयर इट विद येंड्स एंड फैमिली एंड गई इस लाइक दिस वीडियो प्लीज डू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल थैंक यू एंड हैवे अ नाइस डे